दुनिया का सबसे महंगा चीज जो है वो एहसास है। अगर ये लोगों के अंदर आ जाए और वो फील करने लगे, अगर वो अपनी गलती को महसूस करने लगे ना, उनको एहसास होने लगे, तो आने वाले दिन में वो बहुत बड़ा काम कर सकते हैं और जिंदगी में कभी गिरेंगे नहीं, क्योंकि वो अपने गलती को मान रहे और फील कर रहे, उनको एहसास हो रहा है, ठीक है ना। और एक बात, आप सभी को मैंने बोला था कि हमारे एरिया में जो नेट है वो पूरी तरह से शट डाउन हो किया गया था 3 दिनों के लिए, तो फाइनली कल रात को जो है वो नेट ऑन कर दिया गया। और आज कवर करेंगे हम सभी 12 से 15 मई के इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर। आप बोलेंगे भैया आज तो 18 है, तो बिल्कुल 18 तारीख तक का भी करेंट अफेयर आज ही आपको अप टू डेट कर दूंगा। एक्चुअल क्लास 1 घंटा से ज़्यादा हो जाता क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मैंने इसको 2 पार्ट में कर दिया है। और एक बात, प्रतिशत का 8वां पार्ट का वीडियो कल मिलेगा, त्रिकोणमिति का 7वां पार्ट का वीडियो कल मिलेगा, और अब क्लास जो है वो आपको रेगुलर मिलेगा। तो देखते हैं पहला प्रश्न हमारे सामने क्या आ रहा है, और क्लास थोड़ा सा जल्दी कराऊंगा ताकि 20 से 22 25 मिनट में जो है वो सारे क्वेश्चन कवर कर लूं, क्लास बहुत लंबा भी ना जाए, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन हमारे सामने, पब्लिक अकाउंट कमेटी यानी PAC, आप सभी को पता है निम्नलिखित में से किसे संसद की लोक सेवा समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। आप सभी को पता है जो भी पार्टी ऑपोजिशन में होती है उनके एक लीडर को चुना जाता है इस पद के लिए, ये आप सभी को पता होगा। तो इसके लिए जो चुना गया है, पहले भी थे, अभी इनको दोबारा से नियुक्त किया गया है। पहले भी अधीर रंजन चौधरी थे कांग्रेस के, इनको दोबारा से जो है वो चुना गया है, ऑप्शन नंबर आपका सी, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने, श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, आपको बताना है। नया डायरेक्टर जनरल किसे बनाया गया, लेबर एंड ब्यूरो इन द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, तो उनका नाम क्या है, DPS नेगी, ऑप्शन नंबर आपका बी। पूरा PDF आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने, इराक के नए प्रधानमंत्री का नाम आपको बताना है, किसे बनाया गया इराक का नया प्रधानमंत्री, तो उनका नाम क्या है, मुस्तफा अल कदिमी, ऑप्शन नंबर आपका सी। तो इराक के नए प्रधानमंत्री का नाम आप सभी याद रखिएगा। और इराक के राष्ट्रपति कौन है, तो ब्राहम सलील। और मुद्रा क्या इस्तेमाल करते हैं, इराकी दिनार। और राजधानी की बात करूं तो वो क्या है, बगदाद, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, यहां पर बताना है यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये अवार्ड किसे दिया गया, किसके द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST के द्वारा। निम्नलिखित में से किसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार द्वारा नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में युवा कैरियर पुरस्कार प्राप्त किया है, उनका नाम बताना है। और उनका नाम है साइंटिस्ट सौरभ लोधा, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी। और जितने भी क्वेश्चन करवा देता हूं करेंट अफेयर का, भारत में जितने भी एग्जाम होते हैं सब हर एग्जाम के लिए सफिशियंट है, एक क्वेश्चन बाहर नहीं बनेगा, इतना तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं पक्का, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किसने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए बांस के भंडार के उपयोग और उसकी भूमिका पर चर्चा करने के लिए वीडियो सम्मेलन के माध्यम से बांस कॉन्क्लेव को संबोधित किया है, और यह संबोधित किया गया है जितेंद्र सिंह के द्वारा, ऑप्शन नंबर आपका बी, जो एक केंद्रीय मंत्री है, यह आप सभी को पता होगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, कैप्टन विजयन थापर की जीवनी यानी उनके बायोग्राफी लिखी गई है, नाम क्या दिया गया है, कारगिल में विजयंत एक कारगिल हीरो, ठीक है। इस इनकी जो जीवनी है, जो बायोग्राफी है, ये किस पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित की गई है, यह आप सभी को बताना है। तो जो बायोग्राफी है वो पब्लिश किया गया है आपका पेंगुइन के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने, तमिलनाडु की राज्य सरकार ने जो भी वहां के कर्मचारी है उनकी रिटायरमेंट की जो एज है वो 58 साल से कितनी कर दी गई है,
तो मैं बता दूं, तमिलनाडु में जो भी काम करते हैं कर्मचारी, वहां के रिटायरमेंट की एज है 58 साल, लेकिन अब वो बढ़ाकर कर दी गई है आपका 59 साल, ऑप्शन नंबर आपका बी। और तमिलनाडु के सीओ सीएम कौन है? इडापड़ी के पलनीस्वामी। और राज्यपाल की बात करें तो बनवारी लाल पुरोहित, और कैपिटल तो वो है आपका चेन्नई। अगला प्रश्न हमारे सामने, किस बैंक ने 50,000 रुपए तक के अधिकतम लोन वाले किसानों के लिए एक आपातकालीन लोन सुविधा शुरू की है? और मैं तो हमेशा बोलता हूं, किसान के लिए हर एक राज्य सरकार और केंद्र सरकार को एनी समय एनी टाइम खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि किसान जो है एक ऐसा स्तंभ है, आप बोल सकते हो ना, इनके बिना देश अधूरा है। अगर खेती जिस दिन खत्म हो गया ना, देश अपना डूब जाएगा, क्योंकि 100 रुपए में 50 रुपए जो इनकम है वो किसान ही कमाकर केंद्र सरकार को देता है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। और भारत में 100 में से 55 से 60% लोग जो है वो किसान ही है, किसान है। तो समझ सकते हैं किसान का निर्माण कितना इंपॉर्टेंट है हमारे भारत के लिए। तो किसान के लिए हर एक राज्य सरकार और केंद्र सरकार के लिए, केंद्र सरकार को खड़ा होना पड़ेगा किसान के लिए। तो 50,000 रुपए तक के अधिकतम लोन वाले किसान के लिए आपातकालीन लोन सुविधा शुरू की है किस बैंक ने? तो कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक ने, ऑप्शन नंबर आपका सी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है यह आपको बताना। नेशनल टेक्नोलॉजी डे हम लोग कब मनाते हैं? तो 11 मई को, ये तो आप याद रखिएगा ही रखिएगा। साथ ही साथ थीम जो बोलते हैं ना, विषय, ये याद रखिएगा, 2020 का विषय क्या दिया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि जो भी डेट आप पढ़ते हो उसका जो विषय है वो आपको याद रखना है। इस बार का विषय क्या है? फोकसिंग ऑन रीबूटिंग द इकोनॉमिक एंड इकोनॉमिक थ्रू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूएन यूनाइटेड नेशन पोस्टल एजेंसी ने 9 मई को किस बीमारी के अनुमूलन की 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कौन सी बीमारी? तो स्मॉल पॉक्स, ऑप्शन नंबर आपका डी, स्मॉल पॉक्स, ठीक है। और एक बात, WHO का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में। WHO का गठन कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 में। और WHO का हेड कौन है? तो ये तो आज के डेट में सभी को पता होगा, टेड्रोस एधानोम, ठीक है। अगर वहीं पर बात करें यूनाइटेड नेशन को लेकर, तो इसका हेड कौन है? एंटोनियो ग्यूटरेस, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट में। और इसका गठन कब किया गया था? तो 1945 में, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, महाराणा प्रताप सिंह की जयंती 19 मई को मनाई गई थी, राणा सिंह जो है वो किस राज्य के 13वें राजा थे? तो मेवाड़ के, ऑप्शन नंबर ए। और एक जानकारी आपको और बता दूं, अगर एग्जाम में काफी बार पूछता है मेवाड़ के पहले राजा कौन थे, तो आप क्या बोलेंगे? महाराणा हमीर सिंह वन। जब मेवाड़ का राजधानी चित्तौड़ था ना, जब मेवाड़ का राजधानी चित्तौड़ था, तब वहां के राजा कौन थे? महाराणा हमीर सिंह। लेकिन एक बात और मैं आपको बता दूं, महाराणा प्रताप सिंह जो वन है ना, जब मेवाड़ का राजधानी उदयपुर था तब ये राजा बने थे। तो ये याद रखिएगा, मेवाड़ के 13वें राजा थे आपका महाराणा प्रताप सिंह वन। और मेवाड़ के पहले राजा कौन थे? तो महाराणा हमीर सिंह वन, याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है काफी बार ये चीज। अगला प्रश्न हमारे सामने है, AIIB यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा COVID-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारी परियोजनाओं के लिए कितनी धनराशि जो है वो दी गई है भारत को? तो AIIB इन एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा $500 मिलियन जो है वो दिया गया है भारत को, ताकि लड़ सके भारत COVID-19 यानी कोरोना वायरस पैंडेमिक यानी महामारी से। अब बात करूंगा AIIB का प्रेसिडेंट कौन है, अध्यक्ष कौन है उसका, तो वो है आपका जिन ल्यूकिन। और
हेडक्वार्टर कहां पर है? तो बीजिंग चाइना में, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, प्रवासी राहत मित्र एप्लीकेशन है, एक ऐसा एप्लीकेशन है जो लॉन्च किया गया है प्रवासी श्रमिकों के लिए, यह किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा, ऑप्शन नंबर आपका बी। और यह क्या है भैया, एक्चुअल मान लो, देख लो, अगर मान लो उत्तर प्रदेश के बहुत वर्कर हैं, मजदूर हैं, वो मान लो महाराष्ट्र से आ रहे हैं या गुजरात से आ रहे हैं या फिर मान लो आप मध्य प्रदेश से आ रहे हैं, तो उनकी सारी जानकारी, सरकार तक पहुंचेगी और सरकार इस एप्लीकेशन के माध्यम से जो है उनका आगे का रोजगार क्या है, कैसे खाएंगे, कैसे रहेंगे, उसकी सारी व्यवस्था करेगी। लेकिन उससे पहले सरकार के पास हर एक डाटा होना चाहिए, इसीलिए सरकार ने बोला जो भी आ रहे हैं वो अपने फ़ोन में एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए और अपना हर एक जानकारी वहाँ पर अप टू डेट कर दीजिए, जिससे सरकार तक हर एक जानकारी उस मजदूर का पहुँच जाए जो भी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के हैं। इसीलिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया, प्रवासी राहत मित्र, ठीक है ना। और उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ, कैपिटल लखनऊ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस राज्य ने एक वर्ष के लिए मैग्नीशियम कार्बोनेट युक्त पान मसाला पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो झारखंड के द्वारा यह बैन लगाया गया है। अब देखो, अगर मैं बात करूं, आपको यहां पर फोटो दिखाई दे रहा होगा अलग अलग पान मसाला का, सब पर बैन लगा दिया गया है जिसके अंदर मैग्नीशियम कार्बोनेट पाया जाता है। एक्चुअल में बोलना है कि डायरिया वगैरह भी बहुत सारी बीमारी जो है इसके वजह से हो रहा है आज के डेट में, ठीक है। और झारखंड के सीएम कौन है? हेमंत सोरेन। और राज्यपाल तो द्रौपदी मुर्मू। और कैपिटल क्या है? तो वो है आपका रांची। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस संस्थान ने COVID-19 के लिए भारत की पहली स्वदेशी एंटीबॉडी डिटेक्शन किट विकसित की है? मैंने आप सभी के लिए फोटो भी लगाया है, आप देख पा रहे होंगे, एक किट नजर आ रहा होगा जिससे टेस्ट वगैरह होता है COVID-19 का, ठीक है। यह किट विकसित करने वाला कौन सा कंपनी है? तो वो है आपका NIV, ऑप्शन नंबर आपका ए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने, US सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन COVID-19 संकट का जवाब देने के लिए भारत को कितनी वित्त सहायता प्रदान करेगा? तो वो करेगा आपका $3.6 मिलियन, ऑप्शन नंबर आपका सी। अगला प्रश्न हमारे सामने, गांधी शांति पुरस्कार 2020 के लिए नामांकन भरने की अंतिम तिथि कब है? पहले यह तिथि था आपका 30 अप्रैल तक, ठीक है, लेकिन COVID-19 और लॉकडाउन के वजह से ये जो तिथि है एक्सटेंड बढ़ा दिया गया, कब तक? 15 जून तक, ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने चैंपियन पोर्टल लॉन्च किया है? किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो MSME मंत्रालय के द्वारा, यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज के द्वारा। यह मंत्रालय किसके पास है? तो यह मंत्रालय नितिन गडकरी जी के पास है, ठीक है ना। अब ये चैंपियन पोर्टल क्या है भैया, इसमें जितने भी छोटे उद्योग हैं उनके पास हर एक जानकारी, हर एक सुविधा उनको मिल पाए ताकि वो उभर कर आ पाए इस महामारी में और वो चैंपियन बन पाए, ठीक है। मेन टारगेट, मेन मोटो यही है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, इंदु शेखर चतुर्वेदी ने किस मंत्रालय में सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है? तो इनको पद दिया गया है न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ऑप्शन नंबर आपका ए, नई और नवीकरणीय ऊर्जा में इनको सचिव का पद दिया गया। नाम क्या है? इंदु शेखर चतुर्वेदी, ठीक है, यही जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने, निम्नलिखित राज्य में से कौन सा जगह पर आने वाले पर्यटकों के लिए, यानी जो भी टूरिस्ट है उनके लिए अपनी मानक संचालन प्रक्रिया विकसित करेगा? अब देखो, आहिस्ता आहिस्ता तो लॉकडाउन खुलना पड़ेगा क्योंकि आप सभी को पता है अर्थव्यवस्था को अगर संभालना है तो। और जो गोवा है, आप सभी को पता है गोवा में एक्चुअल में कुछ है नहीं, वहाँ पर जो भी वहाँ पर सरकार चलाती है वहाँ पर मेनली क्या है रोजगार के लिए, या सरकार के पास आय का स्रोत क्या है? टूरिज्म।
अब सरकार बोल रही है जो भी टूरिस्ट आएंगे उनके लिए अलग अलग जो है गाइडलाइंस वगैरह बनाया जाएगा ताकि टूरिज्म सेक्टर को दोबारा से स्टार्ट किया जा सके, ठीक है ना। गोवा के सीएम कौन है? प्रमोद सावंत, कैपिटल पानाजी और राज्यपाल सत्यपाल मलिक, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो अभिनव योजना एफआईआर द्वारा योजना लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया है? अब देखो ये क्या है, इस योजना के तहत क्या है, लोगों को अगर एफआईआर दर्ज करवाना है तो पुलिस स्टेशन तक जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। वो घर में बैठकर एप्लीकेशन के माध्यम से ये चीज कर सकते हैं और ऐसा सुविधा देने वाला पहला राज्य बन चुका है आपका मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के सीएम की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर लालजी टंडन और कैपिटल क्या है आपका? भोपाल, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने, नर्स का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ द नर्स ये हम लोग कब मनाते हैं? तो यह मनाया जाता है आपका 12 मई को। और इस बार का विषय तो आप सभी को याद रखना ही रखना है, तो वो है आपका नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ, विषय भूलिएगा मत। और फोटो भी लगा दिए, क्लियर देख पा रहे होंगे, इंटरनेशनल नर्स डे कब मनाते हैं? 12 मई को। अगला प्रश्न हमारे सामने है, सरकार ने घोषणा की है कि 31 मार्च 2020 तक टीडीएस और टीसीएस दरों में कितनी कमी आएगी? कितनी कमी की गई है? तो कमी की गई है आपका 25% तक। अब देखो, अगर मैं आपको टीडीएस और टीसीएस समझाऊं तो क्लास एक घंटे का हो जाएगा और आपको बहुत सरल भाषा में बता सकता हूं ताकि एक बच्चों को भी समझ में आएगा टीडीएस और टीसीएस क्या है। पहले आप थोड़ा फुल फॉर्म समझ लो, टीडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आप बोलते हैं टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, ठीक है। अगर टीसीएस की बात करो तो टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। देखो यहां पर शॉर्ट फॉर्म में बहुत सरल भाषा में समझ जाओ क्या है। टैक्स आप समझ पा रहे होंगे, टैक्स कर आपको देना पड़ेगा अपने इनकम पर, ठीक है, आप सभी को पता है। अब देखो ये क्या है, टीडीएस क्या है और टीसीएस क्या है, थोड़ा समझाते हैं। अब देखो क्या है, मान लो ये एक ऐसा नियम है जो इनकम टैक्स के द्वारा ही विकसित किया गया है। मान लो अगर आप कुछ इनकम करते हैं, ठीक है, तो उसी समय आपका टैक्स काट लिया जाएगा। अब एक साल का इंतजार नहीं किया जाएगा कि एक साल पूरा खत्म होगा तब आप टैक्स भरोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके अंदर क्या होता है, आप अभी मान लो इनकम कर रहे हैं तो आपका संग संग टैक्स काट लिया जाएगा, ठीक है। अब आप बोलोगे भैया अभी इनकम किए और मेरा टैक्स काट लिया गया, तो साल भर के बाद हमें फिर से टैक्स भरना पड़ेगा क्या? अगर भैया साल भर के बाद अगर मेरा इनकम स्लैब में मेरा पूरा इनकम आया भी नहीं, मान लो नहीं आया, 5 लाख से कम रहा, तो जो टैक्स पहले दे चुके हैं, जो सरकार में टीडीएस काट चुकी है, वो पैसा मिलेगा? तो बिल्कुल मिलेगा, ये रिफंडेबल भी है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है ना। नॉर्मल समझो, जो संग संग टैक्स काट लिया जाता है, पूरे साल भर का इंतजार नहीं किया जाता है, उसी को बोलते हैं टीडीएस। और जो टीसीएस है, मोटा मोटी यहां पर दो पार्टी को लेकर समझ सकते हैं, ठीक है। देखो एक घंटा नहीं, मैं 10 मिनट में आपको समझा सकता हूं बहुत सरल भाषा में क्या है। आप बस इतना याद रखो ना भाई, एक ही थाली के चट्टे बटे हैं दोनों, टीडीएस और टीसीएस। इस पर 25% का जो है वो कम कर दिया गया केंद्र सरकार के द्वारा, जो नया अभी रूल्स आया है, ठीक है। एक्चुअल बस इतना याद रखना, जो संग संग इनकम के ऊपर टैक्स काट लिया जाता है इनकम टैक्स के द्वारा, उसी को बोलते हैं ये सब चीज, ठीक है ना। बस और कुछ मत रखो दिमाग में आप सभी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, केंद्र सरकार ने घोषणा की है आत्मनिर्भर आर्थिक पैकेज के हिस्से के रूप में बिजली वितरण फर्मों के लिए, यानी जितने भी इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट है उनको कितना पैसा सरकार देगी ताकि वो फिर से खड़े हो पाए? तो 90,000 करोड़ रुपया, ऑप्शन नंबर आपका बी, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, CBSE के चेयरमैन यानी अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो उनका नाम है आपका मनोज आहूजा, फोटो में क्लियर देख पा रहे होंगे, तो इंपॉर्टेंट है। CBSE बोर्ड के नए अध्यक्ष, नए चेयरमैन बनाए गए हैं आपका मनोज आहूजा को। अगला प्रश्न हमारे सामने, फसलों की खेती को विनियमित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तेलंगाना, ऑप्शन नंबर ए। तेलंगाना कैपिटल कौन क्या है? हैदराबाद। राज्यपाल
तमिल साई सौंदरराजन और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव। अगला प्रश्न हमारे सामने है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो मीटिंग होने वाला है उसका प्रतिनिधित्व कौन करेगा भारत की तरफ से, ठीक है, कौन लीड करेगा, कौन रिप्रेजेंट करेगा, तो वो करेंगे आप सभी के, सभी को पता है कौन है, बहुत अच्छा भाषण दिया गया था इनके द्वारा यूनाइटेड नेशन में, बहुत तारीफ हुआ था इनका, कौन है, एस जयशंकर, ऑप्शन नंबर आपका डी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, गुजरात निर्वाचन आयोग ने किस निर्वाचन क्षेत्र पर गुजरात हाईकोर्ट के निर्णय की जांच के लिए एक समिति गठित की है। अब यहां पर क्वेश्चन समझ लेना, एक्चुअल में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था गुजरात में, वहां पर एक विधानसभा क्षेत्र था ढोलका, यहां पर जो विजयी हुआ था वो बीजेपी के कैंडिडेट्स हुए थे और जो हारे थे दो नंबर पर थे वो कांग्रेस के थे, और जो बीजेपी के कैंडिडेट जीते थे उनको शायद 200 की 250 वोट ज्यादा मिला था। बाद में कांग्रेस ने जांच करवाया और पता चला कि 429 या 450 वोट की तो गिनती हुई नहीं, इस चीज को कोर्ट तक लेकर गया कौन, कांग्रेस, और बाद में पता चला ये चीज सही है और इसका पूरा जांच करने के लिए वहां के हाई कोर्ट के द्वारा एक समिति गठित की गई। अब यहां पर देखो यही सब होगा, अब क्या होगा, अब ऑलरेडी 2.5 साल निकल गया है, ठीक है, अब केस चलते चलते 2.5 साल और निकल जाएगा तो 5 साल तो कंप्लीट हो गया ना, फिर दोबारा चुनाव होगा। तो फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं कि कहां पर बहुत बड़ा लफड़ा हुआ है गुजरात के किस निर्वाचन क्षेत्र में, तो ढोलका, याद रखिएगा, ठीक है। और सीएम कौन है, विजय रूपानी, राज्यपाल आचार्य देवव्रत, और कैपिटल क्या है गुजरात का, तो गांधीनगर है। अगला प्रश्न हमारे सामने, किस राष्ट्र ने यह कहा है कि वो ईरान पर हथियारों के विस्तार के लिए अमेरिका के जितने भी प्रयास है ना उसका विरोध करेगा, तो यह कहा गया है आपका रसिया का। आपने अक्सर देखा होगा अमेरिका का अक्सर विरोध रसिया करता है, ठीक है, वो दोबारा कर रहा है। अगर बात करें रसिया का कैपिटल तो मॉस्को है, मुद्रा रशियन रबल, अगर बात करें राष्ट्रपति कौन है, व्लादिमीर पुतिन, और कैपिटल क्या है, थेहरान है। और करेंसी पहले ईरान का क्या था, मैं आपको अप टू डेट बता रहा हूं, ये चेंज हो जाएगा, ठीक है, पहले ईरान का कैपिटल था आपका ईरानियन रियल, लेकिन इसको अभी चेंज कर दिया गया, चेंज हो जाएगा, तो अप टू डेट वाला जो है वो याद रखिएगा, तो वो क्या है आपका ईरानियन तोमन, और राष्ट्रपति कौन है, हसन रूहानी ईरान के, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने अनिश्चित काल के लिए अपने कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति दी है, तो जितने भी इंप्लॉय हैं ट्विटर के वो अब घर से काम कर सकते हैं, घर से कंट्रोल कर सकते हैं, जितने भी बैकएंड के काम है ट्विटर का। और पहला प्रश्न आपका यही क्वेश्चन से निकल कर आ रहा है, ट्विटर के सीईओ कौन है ना, यह आपको कमेंट कर बताना है, और जो भी ट्विटर के सीईओ हैं उन्होंने कितने रुपए का दान दिया है COVID-19 से लड़ने के लिए, बहुत बड़ा रकम दिया है, बहुत चर्चा में रहे, और मैंने आपको बहुत बार बताया भी है वो चीज, तो आपको कमेंट करके बताना है ट्विटर के सीईओ कौन है और ट्विटर के सीईओ ने COVID-19 से लड़ने के लिए कितना पैसा दिया है। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर 12 से 15 मई तक का, बहुत जल्दी क्वेश्चन करवाएं क्योंकि मुझे 22 से 23 मिनट में 4 दिन फटाफट कवर करना था, ठीक है ना, इसका पूरा PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है, या फिर टेलीग्राम पर आप डाउनलोड कर सकते हैं जिसका नाम है सक्सेस की 98, और आप किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आप दे सकते हैं जो आपको गूगल के प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, ठीक है ना, और हर एक मॉक टेस्ट आप अपने फ़ोन पर दे सकते हैं हिंदी और इंग्लिश माध्यम से दोनों में। सो मेरे जितने भी भाई बहन हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो, और अपने साथ साथ अपने मम्मी और पापा दोनों का ही ख्याल रखिएगा, ठीक है ना, चलिए।